गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग इज एन एग्जिस्टिंग एंड डायनेमिक मीडियम बाय विच यू कैन पब्लिश योर आइडियाज। ब्लॉगिंग क्या है? एक एग्जिस्टिंग और डायनेमिक मीडियम है, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने आइडियाज, ओपिनियंस और स्टोरीज को ऑनलाइन क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी कि पब्लिश कर सकते हो। इट इज अ प्लेस टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ये एक ऐसा प्लेस है, स्थान है, जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो टू द वर्ल्ड, कहीं पे भी, वर्ल्ड के कहीं पे भी। अ प्लेस टू शेयर योर थॉट्स एंड योर पैशन। ये क्या है? ये ऐसा स्थान है जिसमें आप अपने थॉट्स को और अपनी पैशंस को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अब लोग इज अ वेबसाइट डेट कंजिस्ट ऑफ अ फ्रीक्वेंटली अपडेट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंट्रीज। अब क्या है कि जो ब्लॉग है वो एक वेबसाइट कंजिस्ट करता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने अपडेटेड कलेक्शन, जो अपने कलेक्शन अपडेट किए जाते हैं, ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंट्रीज। मोस्ट ब्लॉग फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट। मोस्ट ब्लॉग्स कौन से होते हैं? जो पर्टिकुलर टॉपिक पे और सब्जेक्ट एरिया पे क्या कीजिए, तो फोकस किए जाते हैं। ऑल्दो इन अ मेजोरिटी ऑफ ब्लॉग्स दी, इसे क्या करते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ ब्लॉग, उसे सब्जेक्ट इज द पर्सन, सब्जेक्ट होता है इज द पर्सन राइटिंग इन द ब्लॉग, जो ब्लॉग क्या करता है, लिखता है। द एंट्रीज दैट अपेयर ऑन अ ब्लॉग, जो अपेयर दिखाई देती है ब्लॉग के अंदर, एंट्रीज आर कॉल्ड पोस्ट, उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट। एंड द एक्ट ऑफ पब्लिशिंग अ ब्लॉग इज कॉल्ड, और जो पब्लिशिंग और उसके जो उस पर एक्शन लिया जाता है, एक्ट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। अ सिंगल पर्सन हु मेंटेन्स मैनी ब्लॉग्स, एक सिंगल पर्सन बहुत सारे ब्लॉग क्या करता है, मेंटेन करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लॉगर बोलते हैं, ठीक है। द टर्म ब्लॉगस्फीयर रेफर्स टू द वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ ब्लॉग्स, जो ब्लॉगस्फीयर देता है वो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देता है, ठीक है, ब्लॉग की। देर आर ओवर 100 मिलियन ब्लॉग्स ऑन द वेब, कितने देते हैं, 100 मिलियन, ठीक है। यू कैन रीड, आप रीड कर सकते हो व्हाट अदर्स हैव पब्लिश्ड, और आप क्या कर सकते हो, उसे पब्लिश्ड भी कर सकते हो। अ ब्लॉग दैट कंटेन्स वीडियो इज समटाइम्स कॉल्ड वीडियो ब्लॉग, जो वीडियो ब्लॉग होती है उसे क्या बोलते हैं, हम वीडियो ब्लॉग करते हैं या व्लॉग बोलते हैं। माइक्रो ब्लॉग अलाउ यूजर्स टू पब्लिश शॉर्ट मैसेज, जो माइक्रो ब्लॉग होते हैं वो क्या यूजर्स को अलाउ करते हैं कि आप अपने शॉर्ट मैसेज आप क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। यूजली बिटवीन 100 and 200 कैरेक्टर्स ही उसमें होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सम ऑफ द मेन ब्लॉग होस्टिंग सर्विस, इसकी कौन सर्विस कौन सी है ब्लॉगर की, www.blogger.com, टाइपपैड www.typepad.com एंड ट्विटर पर www.twitter.com पर आप अपने ब्लॉग क्या पब्लिश कर सकते हो। यूजेस ऑफ ब्लॉग सिमिलर टू एन एडिशनल सेक्शन इन अ न्यूज़पेपर, आप इसको कहाँ पे क्या कर सकते हो, सिमिलर कहाँ पे ये मिलते हैं ब्लॉग, न्यूज़पेपर में। ब्लॉग्स रिफ्लेक्ट इन द इंटरेस्ट ओपिनियंस एंड पर्सनैलिटीज ऑफ द ब्लॉगर एंड समटाइम्स वेबसाइट विजिटर, कहाँ पे मिलते हैं, कई बार वेबसाइट विजिटर्स में मिलते हैं। ब्लॉग्स हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका क्या है कि ब्लॉगर्स क्या है, ये वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन है। बिजनेसेस क्रिएट ब्लॉग्स टू कम्युनिकेट विद एम्प्लॉयज, बिजनेस जो होते हैं वो ब्लॉग क्रिएट करते हैं कहाँ पे, एम्प्लॉयज के साथ, कस्टमर के साथ एंड वेंडर्स के साथ। दे में पोस्ट अनाउंसमेंट्स ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, ये क्या करते हैं, अपनी अनाउंसमेंट जो होते हैं पोस्ट करते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं ऑन अ कॉर्पोरेट ब्लॉग, ठीक है। टीचर्स क्रिएट ब्लॉग, टीचर्स किस लिए ब्लॉग क्रिएट करती है, टू कोलाबरेट विद अदर टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए। होम यूजर्स क्रिएट ब्लॉग किस लिए क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, टू शेयर एस्पेक्ट्स टू देयर पर्सनल लाइव्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ब्लॉग क्रिएट कैसे करते हैं, ये आपके पास दिया हुआ है, ये आपके पास क्या है, आपके पास बताया गया है कि गूगल में कैसे कैसे, गूगल में जाओगे, कौन कौन सी वेबसाइट ओपन करोगे और अपने 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 ब्लॉग जो है आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सेल्फ इवेल्युएशन, जो भी आपको क्या करना है, जो आपने पॉइंट्स रीड करने हैं और उस पॉइंट्स पे जो आपको एग्री लगता है,
तो एग्री पे क्लिक करिए, अगर आपको पॉइंट्स डिसएग्री लगता है तो आप डिसएग्री पे क्लिक करिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।